पंचकुला में आज कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने संसद के शीतकालीन सत्र में 146 सांसदों के निलंबन के विरोध में प्रदर्शन किया। कालका विधानसभा से कांग्रेस विधायक प्रदीप चौधरी की अध्यक्षता में ये प्रदर्शन हुआ। हरियाणा महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुधा भारद्वाज, चेयरमैन सुनील कुमार, पूर्व मेयर उपेंद्र कौर अहलुवालिया, सीपीआई और सीपीएम के नेता भी प्रदर्शन में मौजूद रहे। देश की बेटी साक्षी मलिक के द्वारा कुश्ती को अलविदा कहे जाने पर सरकार को घेरते हुए कहा कि ये सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा देती है वो सिर्फ झूठा नारा है। कालका विधायक प्रदीप चौधरी ने कहा कि ये सांसदों का निलंबन नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आवाज दबाने का निंदनीय कदम है। इसको लेकर क्या वो कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, छत्तर मोबाइल भी चल रहे हैं। भारत राज में देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए जिस देश को हमारे देश के लाखों युवाओं ने, नेताओं ने कुर्बानियां देकर इस देश को आज़ाद कराने का काम किया था, उस लोकतंत्र व्यवस्था को बचाने के लिए आज पूरे देश में ऐसे प्रदर्शन इंडिया गठबंधन द्वारा आज किए जा रहे हैं। उस सिलसिले में हमारे पंचकुला जिला से सीपीआई, सीपीएम और कांग्रेस पार्टी अपने सभी साथी हम यहाँ इकट्ठे होकर अपना विरोध दर्ज करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए। ऐसा पहली बार देखने में आ रहा है कि सत्ता में बैठे लोग इतने सत्ता के नशे में चूर अहंकारी हो गए हैं कि उन्हें विपक्ष के सामने अपनी कोई बात रखने की आज उनकी हिम्मत नहीं। उनका निलंबन करके आज अपने जो भी कार्रवाई है वो करना चाहते हैं। जैसा हमारे साथी ने अभी बताया कि जो इतना बड़ा चूक हुई कानून व्यवस्था की और हमला जो अंदर बढ़ गए लोग, उनके खिलाफ हमारी पार्टी इंडिया गठबंधन की यही मांग थी कि इस पर प्राइम मिनिस्टर अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं वह अपनी बात रखें। और लेकिन कहीं ना कहीं सभी मुद्दों से, चाहे बेरोजगारी का हो, महंगाई का हो, भ्रष्टाचार का हो, ऐसे अनेकों मुद्दों से बचने के लिए आज जो इतने भारी तादाद में सांसदों का निलंबन किया गया, इस लोकतंत्र देश में आज कोई कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन की बात नहीं, आप जैसे मीडिया के जो साथी हैं आप पर भी 90% मीडिया पर तालाबंदी लगाने का काम कर रखा है, इसे गोदी मीडिया कहा जाता है। लेकिन जो संसद है, एक हमारा मंदिर जो है, उसमें जो सांसद चुनकर जाते हैं अपने लोकसभा क्षेत्र से लाखों मतदाता होते हैं, कोई एक सांसद का निलंबन नहीं होता। जितने सांसदों का निलंबन हुआ है उसमें करोड़ों लोगों की आवाज़ दबाने का इस सरकार ने काम किया, उसका विरोध दर्ज करने के लिए आज हम यहाँ इकट्ठे हुए। लोगों का मुद्दा उठाने में, लोगों का हक दिलाने में, तो मैं तो सभी लोगों से यही अपील करती हूँ, कांग्रेस इंडिया गठबंधन, देखो सब लोग, सबकी हमारी ड्यूटी बनती है कि भारत को बचाना है इस वक्त, क्योंकि भारत की जो हालत है वो नहीं है जो आज़ादी के बाद हमें इस देश ने, हमारे नेताओं ने हमें भारत सौंपा था। लोगों को जागने की लिए अपील करते हैं कि लोग जागें और सड़क पर आएं और इनकी तानाशाही को दूर करें। हमारा साथी सीपीएम डिस्ट्रिक्ट सेक्शन, जो ये गठबंधन की काल है इसको हम जो पूरे दिन तनमंदन से पूरा करना चाहते हैं। और ये जो जिस तरीके से तानाशाही सरकार कर रही है हर पक्ष में, चाहे इलेक्शन का कमीशन का हो या कोई हो, कानून की, मतलब जिस तरीके से ये कानून पास करवाना चाह रही थी, ये आईपीसीआर से ये कमेंट कर रही है, उस तरीके के उसको सांसदों को वहाँ बोलने नहीं देना चाहिए जो कंट्रीब्यूशन करना चाहते थे ताकि ये अच्छे कानून बन सकें, वो ये उनको लेने राय नहीं लेना चाहते और उनको जान बूझ के ये जो अपनी तानाशाही के ताकि झटके से पास करवा दें, वो इसलिए सारा कुछ किया है। ये तानाशाही हमारा मांग है कि उनकी सस्पेंशन को शीघ्र शीघ्र वापस लें और नहीं तो जनता इनको रास्ता दिखा देगी। ये जनता रास्ते पे आ गई है, नहीं तो रास्ते भी में ये जाने के प्रबंध कर रहे हैं। सुधा जी, जिस तरीके से इस लगातार सिलसिला जारी है, 146 सांसद जो है अब तक कर दिए गए, कल भी 3 को किया गया है निलंबित, आपको जैसे प्रदीप चौधरी जी ने भी कहा है कि ये करोड़ों लोगों की आवाज़ दबाने का काम किया है, आपको तो तानाशाही है कहीं? देखिए, ये तानाशाही सरकार है और इसी के विरोध में हम यहाँ पर खड़े हैं। इन्होंने 146 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है, तो ये सबसे बड़ी लोकतंत्र को दबाने का काम है और हमारे संविधान का अपमान। तो हम ये चाहते हैं कि भी इनका निलंबन जो है रद्द किया जाए और उनको दोबारा से पार्लियामेंट में आने दिया जाए,
इस तरह से तो आप देखिए, ये सबसे बड़ी पंचायत है, संसद जो है सबसे बड़ी पंचायत है, जब उसमें ही बोलने का अधिकार विपक्ष को नहीं दिया जाता, हमारा ये अधिकार भी है और कर्तव्य भी है विपक्ष। अगर विपक्ष जो है मजबूत नहीं होगा तो तानाशाही चालू रहेगी और तानाशाही आएगी। इसको हटाने के लिए हम सारे कांग्रेसी जो हैं पूरे देश में ये प्रदर्शन कर रहे हैं और ये प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक कि उन संस्थाओं को वापस। कल हरियाणा की एक बेटी जो है जिसे मर्दानी भी कहा जाता है, साक्षी मलिक, जो है रोते हुए उसने अलविदा कहा है कुश्ती को, कैसे देखते हैं इस फैसले को और क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, आप देख सकते हैं कि इनका महिलाओं के प्रति किस तरह का रवैया है हमारी सरकार का। दावे बहुत बड़े बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के दावे करते हैं, लेकिन आप इनके रवैये देख सकते हैं किस तरह से वहाँ पर जंतर मंतर पर कितनी देर हमारी खिलाड़ी महिलाएं बैठी रही हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई और इनके ही जो सांसद हैं वो ही आरोपी हैं, लेकिन उन पे कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि ये सिर्फ एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है ये एक सिर्फ इनका नारा ही। सुधा जी, एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें मिमिक्री की गई थी उपराष्ट्रपति के ऊपर, उस पे आप लोग की क्या प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए, आप इनकी इनकी क्या आप इनकी वो है मानसिकता है वो आप सब जानते हैं, तो इस पर क्या हम इतनी अभी करें। अभी हमारा संसद का जो ये निलंबित किए गए हैं उनके ऊपर ही है। इनकी भी ले लो, मैं भी कुछ बोलना चाहूंगी, इधर भी ले लो। मिमिक्री पर ना ऐसे है कि एक तो नाम नहीं लिया गया था कि वो उपराष्ट्रपति की है, नंबर वन। दूसरी बात ये कि इनके अपने बंदे बाहर खड़े हुए थे, अपने कर्मचारी थे जिन्होंने वो वीडियो बनाया और कहा, उनको लगा होगा शायद हमारी की हुई है, लेकिन वो ये भूल गए कि संसद के अंदर प्रधानमंत्री ने, जो इस देश के प्रधानमंत्री कहूँ या प्रधानमंत्री कहूँ मैं, उन्होंने किस किस की मिमिक्री नहीं की, क्या क्या नाम नहीं उन्होंने दिए और क्या क्या उन्होंने सत्यानाश देश का कर दिया, देश की अर्थव्यवस्था को कहाँ पहुँचा दिया, ये मेन मुद्दों पर चर्चा ही नहीं करना चाहते।